गुड मॉर्निंग आप फ्रेंड्स, मैं सुमेश सैनिक SBBM स्कूल की शॉर्टकट है। आज अपन क्लास 11-12 के लेसन नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में देखते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं? एनजीओ जो शब्द है, इस एनजीओ शब्द के अपन टुकड़े करते हैं तो ये बना है एनजीओ जो स्पर्म। एनजीओ का अर्थ होता है एंगल ऑफ आवरण, आवरण, और स्पर्म का अर्थ है सीड यानी बीज, बीज अर्थात ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता है, ऐसे पादपों को अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इनका अपन परिचय देखते हैं। परिचय, ये जो आवर्त बीजी पादप है, इन आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो इनका जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र के अंदर अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी अपन यह कह सकते हैं कि आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। देखिए पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण देखिए दोस्तों, पादपों के जीवन चक्र के अंतर्गत युग्मकोश भेद और बीजाणु भेद दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होती रहती है। यानी बीजाणु भेद पीढ़ी और दूसरी है युग्मकोश भेद। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर आपस में परिवर्तित होती रहती है, इसे अपन पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए आवर्त बीजी पादपों के अंदर ये जो बीजाणु पीढ़ी होती है, ये मुख्य पीढ़ी मानी गई है। अर्थात इनका जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर द्विगुणित बीजाणु भेद दीर्घजीवी स्वयंपोषी स्वतंत्र जीवी होता है, जिसे अपन बीजाणु पीढ़ी के नाम देते हैं। ये इनकी मुख्य पीढ़ी होती है। जबकि दूसरी आती है युग्मकोश भेद पीढ़ी। ये जो युग्मकोश भेद पीढ़ी होती है, यह पीढ़ी अगुणित
अल्पजीवी अल्पजीवी और अत्यंत खासी पशु है, अत्यंत खासी पशु है अर्थात थोड़े ही समय के लिए जीवित रहती है। और तो ये पीढ़ी है बीजाणुवृत पीढ़ी के ऊपर आश्रित रहती है अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पीढ़ी है स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रहती अर्थात युग्मकोद्भिद पीढ़ी के ऊपर ही है निर्भर रहती है। ये इनका सामान्य नेक्स्ट देखते हैं अपन इनमें जाना आवर्त विधि पादपों में जनन जनन सबसे पहले अगर जनन देखें जनन का एक प्रोग्रेस रिप्रोडक्शन एवं जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में विभिन्न अवस्थाएं पड़ती हैं। इन अवस्थाओं के अंतर्गत एक आती है जनन अवस्था। इस जनन अवस्था के दौरान अपने ही समान यानी जीवों की जनन अवस्था के दौरान अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन जनन कहते हैं। अर्थात जीवों द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन जनन के नाम से जानते हैं। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं इन आवर्त बीजी पादपों के अंदर ये जो जनन है ये मुख्यतया दो विधियों से होता है या दो प्रकार से पाया जाता है। पहला आता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा आता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन है जनन के इस प्रकार के अंतर्गत यानी अलैंगिक जनन है जनन के इस प्रकार के अंतर्गत या इस विधि के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि एकल पादप या एकल जीव के द्वारा ही बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन के ही नए जीव का निर्माण कर दिया जाता है। यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के नए जीव का निर्माण कर दिया जाता है इसे अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस असंग जनन, असंग जनन यानी एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। अलैंगिक जनन है ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो उत्पन्न जो संतियां होती हैं, यानी ये के दोस्तों अलैंगिक जनन के अंतर्गत उत्पन्न जो संतियां होती हैं वह आकार आकृति व आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मात्र पादप या मात्र जीव के समान ही होती है जिसे अपन क्लोन के नाम से जानते हैं। इसे अपन क्लोन के नाम से देखिए दोस्तों यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है क्लोन क्या होता है, क्लोन क्या होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतियां जो आकार आकार आकृति आकार आकृति व आनुवांशिक दृष्टि से आनुवांशिक दृष्टि से अपने मातृ पादप के समान होती है इसे अपन क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन है ये दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन है यह
दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है ए गेमो स्पर्म, एन से बीज का, एन से बीज का, यानी ए गेमो स्पर्म। दूसरा आता है कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं एन से बीज का। देखिए दोस्तों, अभी दो साल पहले यही से, यानी एन से बीज का से ही बोर्ड के क्लास में एक नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इस बार फिर से यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। एन से बीज का क्या है देखते हैं। सबसे पहले अपन ये जो तो शब्द है इसके टुकड़े करते हैं, एक गेमो स्पर्मी इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा ए जोड़ गेमस, गेमस जोड़ स्पर्मी, ए का मतलब होता है विदाउट, विदाउट गेमस का मतलब है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड, अर्थात इस तरह का जनन जिसमें पादप का परिवर्तन तो बीज से होता है, अर्थात इस तरह का परिवर्तन जिसमें पादप का परिवर्तन तो बीज से होता है, पादप का परिवर्तन तो बीज से होता है परंतु भ्रूण के विकास के अंदर, भ्रूण के विकास के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन जैसी घटनाएं नहीं होती, यानी परिवर्तन तो बीज से होता हो परिवर्तन तो बीज से हो, परिवर्तन तो बीज से हो परंतु अर्धसूत्री विभाजन वह युग्मक संलयन जैसी घटनाएं, इसे अपन कहते हैं एन से बीज का। यहां से दोबारा से क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार। दूसरा आता है दोस्तों देखते हैं कायिक जनन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए पादप के बीज के अतिरिक्त, यानी पादप में बीज के अतिरिक्त कायिक भाग अर्थात जड़ तना पत्ती के द्वारा, जब नए पादप का निर्माण होता है तो उसे अपन कायिक जनन के नाम से जानते हैं। पादप का वह भाग जो कायिक जनन के अंदर काम में आता है, पादप का वह भाग जो कायिक जनन में काम में आता है उसे अपन परवर्त कहते हैं, परवर्त यानी प्रोकेब्यूल, प्रोकेब्यूल यानी पादप का वह भाग जो कायिक जनन की क्रिया के अंदर काम में आता है उसे अपन परवर्त या प्रोकेब्यूल के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहां से भी कई बार कंपटीशन में या फिर अन्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना परवर्त क्या होता है अर्थात
पादप का वह भाग जो कायिक जनन की क्रिया के अंदर काम में आता है उसे अपन क्या कहते हैं परवर्त या प्रोपेग्यूल के नाम से जानते हैं। कायिक जनन की जो क्रिया होती है ये दो विधियों से होती है, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आता है कृत्रिम कायिक जनन। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। देखिए तो प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन की प्रक्रिया है ये पौधों के अंदर प्रकृति के अंदर होती है, इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, अर्थात ये प्रकृति के अंदर पादपों के अंदर अपने आप ही संपन्न होती है। इसको अलग अलग विधियां हैं, सबसे पहली विधि है तने द्वारा कायिक जनन, दूसरा आता है जड़ द्वारा कायिक जनन, तीसरा आता है पत्तियों द्वारा कायिक जनन, चौथा है जननांगों द्वारा कायिक जनन। अपन यानी सबसे पहला है तने द्वारा कायिक जनन, दूसरा है जड़ द्वारा कायिक जनन, तीसरा है पत्तियों द्वारा कायिक जनन और चौथा है जननांगों द्वारा कायिक जनन की क्रिया। सबसे पहले अपन देखते हैं तने द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रिया। तने द्वारा कायिक जनन देखिए दोस्तों रूपांतरित जो तने होते हैं यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो अपने विशेष प्रकार के कार्य के लिए कुछ रूपांतरण कर लेते हैं, तो ऐसे में कुछ रूपांतरित तने होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं उनमें जनन भी आता है। इसमें रूपांतरित जो तने होते हैं रूपांतरित तने के अंदर जैसे आलू अदरक लहसुन अरबी दूब घास आदि
इन सभी के अंतर्गत रूपांतरित कणा पाया जाता है। और ये रूपांतरित कणे हैं, ये रूपांतरित कणे की जो पर्वत संधि है वहां से नीचे की तरफ जड़े और ऊपर की तरफ पर्वतों का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण कर देते हैं। ये सभी नए पादप के निर्माण के अंतर्गत भूमिका निभाते हैं, अर्थात ये नया पादप का निर्माण कर देते हैं। दूसरा आता है दोस्तों जड़ द्वारा काय जनन। जड़ द्वारा काय जनन, जड़ द्वारा काय जनन, जड़ द्वारा काय जनन की क्रिया। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से प्ररोह का निर्माण हो जाता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से प्ररोह का निर्माण हो जाता है, जैसे शीशम, नीम, शीशम है, नीम है, चमेली है, चमेली, इन पादपों के अंदर जड़ से प्ररोह का निर्माण होता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, यानी इनसे तो प्ररोह का निर्माण, प्ररोह का निर्माण, प्ररोह का निर्माण। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी जड़ों से क्या निकलते हैं, यानी अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो सकता है, जैसे शकरकंद, शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया, डहेलिया आदि, इन पादपों की जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं, कलिकाएं निकलती हैं जिससे नवीन पादप का निर्माण होता है। जड़ के छोटे छोटे भाग हैं, इनको भूमि के अंदर ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे शीशम, नीम, चमेली, इनसे प्ररोह का निर्माण होता है, और शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया है, इनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नए पादप का निर्माण करने के अंदर अपनी भूमिका निभाती है, यानी नए पादप